नैब सकर का सूबाई वजीर आपाशी सिंह सुहेल अनवर सियाल की 3 रिहायशगाहों पर छापा। नैब टीम ने अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। मुबैना फ्रंटमैन असद खरल के घर भी छापा मारा गया। सुहेल अनवर सियाल ने जीएनएन से गुफ्तगू में कहा कि नैब इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया है। जिस घर पर छापा मारा गया वो उनके वालिद के नाम पर है। नैब सकर की लाड़काना में कार्रवाई। सूबाई वजीर आपाशी सिंह सुहेल अनवर सियाल की 3 रहायशगाहों पर बेयक वक्त छापा। नैब टीम ने अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। पहला छापा सियाल हाउस लाड़काना, दूसरा अनवर पैलेस फरीदाबाद और तीसरा छापा सियाल पैलेस फरीदाबाद पर मारा गया। नैब ने तमाम घरों की तलाशी ली, पेमाइश की गयी और अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। सियाल हाउस फरीदाबाद में फर्नीचर और दरवाजों पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। नैब की टीम में सराफ भी शामिल थे। नैब टीम ने सुहेल अनवर सियाल के मुबैना फ्रंटमैन असद खरल के घर भी छापा मारा और अहले खाना से पूछगुछ की। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल ने जीएनएन से गुफ्तगू में कहा, नैब ने जिस घर में छापा मारा वो इनके वालिद के नाम है। एफबीआर के रिकॉर्ड में डिक्लेयर है जिस वक्त छापा मारा गया वो मीरपुर खास में थे। जिस घर पे रेड किया गया वो मेरे बाबा के नाम पे है और ये कह रहे हैं कि ये मेरी बेनामी प्रॉपर्टी है, जबकि वो एफबीआर में डिक्लेयर्ड मेरे बाबा की प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है और 6 महीने बाद उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई है और उस प्रॉपर्टी पे इन्होंने आज रेड किया है। सूबाई वजीर आपाशी सिंह सुहेल अनवर सियाल के छोटे भाई तारिक अनवर सियाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि नैब इंतकाम पर उतर आया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं मिला। जज साहब थे यहाँ से, वो भी सामने थे, उनके सामने मुझसे भी साइन लिया इन्होंने, कोई पेपर कुछ भी नहीं। अगर कुछ होता तो ये मेरे ख्याल में ऐसे वापस नहीं जाते हैं। आजकल जो भी सियासत में जो भी चल रहा है उसकी सब चीजें डिक्लियर है। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल पर आमदन से जायद असासे बनाने का केस है। नैब के मुताबिक सियाल हाउस का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर तामीर किया गया है।